हेलो बच्चों, आज हम तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के युद्ध के बारे में करेंगे, प्रथम और द्वितीय दोनों और उसके परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 AD में लड़ा गया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में था। इसके क्या कारण थे? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष का मूल कारण राजनीतिक परिस्थिति और दोनों की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा थी। परिस्थिति ने दो नवोदित शक्तियों की सीमाओं को एक दूसरे से मिला दिया और विस्तारवादी महत्वाकांक्षा ने एक दूसरे के अस्तित्व को नष्ट करने की प्रेरणा दी। लाहौर पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1190 में सरहिंद, जिसको तबर हिंद भी कहते हैं, के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और दुर्ग की रक्षा के लिए काजी जियाउद्दीन को 12,000 सैनिकों के साथ नियुक्त कर दिया। सरहिंद का दुर्ग चौहान राज्य की सीमा के काफ़ी निकट था और इस पर गौरी का अधिकार हो जाने से चौहान राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। अतः पृथ्वीराज ने गौरी को सरहिंद से खदेड़ने का निश्चय किया और दिल्ली के अपने सामंत गोविंदराज के साथ सरहिंद की तरफ कूच किया। मोहम्मद गौरी को जब यह सूचना मिली कि पृथ्वीराज सेना सहित सरहिंद की ओर बढ़ा चला आ रहा था, तो उसने गजनी लौटने का विचार त्याग दिया और आगे बढ़कर शत्रु से मोर्चा लेने का निश्चय किया। तराइन के ऐतिहासिक मैदान पर दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ डटे। युद्ध के प्रारंभ से ही चौहानों का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने तुर्क सेना पर दोनों ओर से भयंकर आक्रमण किया, जिससे तुर्क सेना में खलबली मच गई। परंतु इस स्थिति में भी गौरी ने साहस नहीं खोया और अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ राजपूतों पर टूट पड़ा। उसी समय दिल्ली का गोविंदराज गौरी के सामने आ गया। गौरी ने उस पर भरपूर शक्ति के साथ परछा चलाया, जिससे गोविंदराज के सामने के दो दांत टूट गए। इस पर भी वीर गोविंदराज ने विचलित हुए बिना गौरी पर कटारी का वार किया, जिससे गौरी बुरी तरह से घायल हो गया। कुछ समय बाद गौरी अचेत होकर अपने घोड़े से गिरने ही वाला था कि एक स्वामी भक्त खलजी सैनिक देख गया। वह कूदकर गौरी के घोड़े के पीछे चढ़ गया और सुल्तान को सुरक्षित रण क्षेत्र से बाहर ले आया। गौरी की अनुपस्थिति में तुर्क सेना के जल्दी ही पैर उखड़ गए और वह भाग खड़ी हुई। पृथ्वीराज चौहान ने भागती हुई तुर्क सेना का पीछा नहीं किया। इसके बाद पृथ्वीराज ने सरहिंद को जा घेरा। काजी जियाउद्दीन ने लगभग एक साल तक दुर्ग की रक्षा की। इसके बाद ही पृथ्वीराज की सेना उस पर अधिकार जमा पाई। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज की सैनिक सफलता का चरमोत्कर्ष था। गौरी के लिए यह एक महान अपमानजनक घटना थी। मुस्लिम इतिहासकारों के मतानुसार वह इस पराजय को भूल नहीं सका और प्रतिशोध लेने के लिए सैनिक तैयारी में जुट गया। फरिश्ता ने लिखा है कि सुल्तान शियाबुद्दीन गौरी गजनी पहुंचा, बदला लेने का निश्चय कर उसने नींद और आराम को अपने लिए हराम बना दिया और थोड़े से समय में ऐसी फौज इकट्ठी की जो बहादुर और निपुण थी। परंतु युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद पृथ्वीराज राग रंग तथा भोग विलास में डूबता चला गया। उसने दैनिक राजकीय तथा सैनिक कार्यों की उपेक्षा शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप उसके राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमांत की सुरक्षा भी शिथिल हो गई, जिसके घातक परिणाम उसे बहुत जल्दी ही भुगतने पड़े। अब तराइन का द्वितीय युद्ध हम अगले नेक्स्ट वीडियो